प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर जिला रोजगार कार्यालय में समय समय पर साक्षात्कार आयोजित कर रहा है। इसी के तहत परमाणु स्थित माइक्रोटेक ने ट्रेनी ऑपरेटर्स के पदों के लिए साक्षात्कार लिए और उम्मीदवारों का चयन उनके 8वीं दशमी जमा 2 व ITI के अंकों व पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया। साक्षात्कार में लगभग 40 से 50 उम्मीदवारों ने भाग लिए, जिनमें से 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया। कंपनी की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि सुंदरभान सिंह ठाकर ने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 8,200 रुपए व ITI पास चयनित आवेदकों को 8,400 मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी अन्य सुविधाएं जैसे ESI, EPF आदि सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी और उन्हें पहले दिन से ही कंपनी पेरोल में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय ने रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर साक्षात्कार की सूचना भेज दी है। अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के क्रियान्वयन सहित जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से जारी कार्यों व तय लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। रतन गौतम ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जिला में किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है। शीघ्र ही ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से इनके लिए भवन निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि इसके लिए भूमि की उपलब्धता इत्यादि के बारे में ब्यौरा शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से नशा निवारण केंद्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों व खड्डों की ओर बने अनाधिकृत सड़क मार्गों को बंद करने के लिए खनन विभाग सहित अन्य सभी संबंधित विभाग नियमित व एकजुट कार्रवाई करें। बैठक में बताया गया कि हाल ही में जिला प्रशासन के निर्देशों के उपरांत कुना व शुक्र खड्ड के लिए विभिन्न स्थानों पर बने ऐसे दो दो सड़क मार्गों तथा नादौन के समीप ब्यास नदी की ओर बने 3 मार्गों को खनन विभाग द्वारा बंद करवाया गया है। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग व आदेशक गृह रक्षक वाहिनी से आग्रह किया कि शहर में आवश्यकता के अनुसार फायर हाइड्रेंट स्थापित करने के लिए प्राक्कलन तैयार कर आगामी कार्रवाई समय रहते पूर्ण कर लें। बैठक में बताया गया कि जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 2019 तक 8,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है और इस अवधि में लगभग 1,100 संशोधन भी किए गए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जिला में पौधारोपण, जल संग्रहण सहित लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चरणजी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय धर्मशाला और मकलोडगंज में 45 इमारतें नियमों को दरकिनार कर 15 मीटर से भी ऊंची खड़ी की गई हैं। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में आता है। अग्निशमन विभाग ने भी इन ऊंची इमारतों की रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए निदेशालय को भेज दी है। अब निदेशालय से आगामी निर्देश आने के बाद इन 45 ऊंची इमारतों के मालिकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत में एक शैक्षणिक संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद
प्रदेश भर में ऊंची इमारतों की जांच पड़ताल के निर्देश अग्निशमन विभाग को मिले थे। इन्हीं आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अग्निशमन विभाग धर्मशाला भी जिला मुख्यालय और मकलोडगंज स्थित होटलों भवनों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों की भवनों की जांच पड़ताल में जुट गया था। शुरुआती दौर में उसे 15 भवनों को 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन इस बार अग्निशमन विभाग ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो धर्मशाला और मकलोडगंज में 45 होटल 15 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़े पाए। वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से नियमों को दरकिनार कर खड़ी की गई इमारतों की रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। अब निदेशालय के आगामी निर्देशों के बाद ही इन भवनों के मालिक पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जहां उनके भवनों को अवैध घोषित किया जा सकता है, वहीं जुर्माना भी वसूला जा सकता है। फायर ऑफिसर धर्मशाला स्वरूप कुमार चौधरी ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने धर्मशाला और मकलोडगंज में 15 मीटर से अधिक ऊंची वाली इमारतों का सर्वे किया और इसका ब्यौरा नगर निगम धर्मशाला से लिया तो पाया कि 45 होटलों की इमारतें इस ऊंचाई से अधिक पाई गई हैं और इसकी रिपोर्ट बनाकर निदेशालय को भेज दी गई है। बिस्मिल बरकर धर्मशाला डिवीजन द्वारा आज नगरोटा भागमा में प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जल्द हमारे लिए भी 4 और 5 की जो पॉलिसी है वे फिर से चालू की जाए, उसके उपरांत इन्हें अनुबंध में लाया जाए। पिछली सरकार ने 250 बिस्मिल बरकरों को अनुबंध में लाए थे। इनका कहना है कि 1/10 पास कंडक्टर जो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अनुबंध में आ जाता है, हम सब तो ITI होल्डर हैं और वे भी सरकारी संस्थानों से। कई तो पूरा महीना काम करने के बाद भी 3,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, केवल 10 रुपए में एक पूरी बस धोने के लिए मिल रही है, कैसे गुजारा होगा। 933 बिस्मिल बरकर प्रदेश भर में कार्य कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द कोई नीति हमारे लिए भी बनाए। हम इस हालात में अपने बीवी बच्चे और माता पिता को इन पैसों से गुजारा करवाने में असमर्थ हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार शिमला से खेमचंद, मंडी से घनश्याम, धर्मशाला से योगेश, विशाल, बैजनाथ से विजय, पालमपुर से अजय, कुल्लू से विजय और उमेश आदि उपस्थित रहे।